आए हुए सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आए हुए सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारा ही नाम है नथुराम और हम इसी चमनपुर गांव के रहने वाले हैं। हम अपने परिवार में केवल 3 सदस्य रहते हैं, हम हैं और हमारा एक छोटा भाई है जिसका नाम है विजय और एक छोटी बहन है जिसका नाम है गीता। हम तीनों प्राणी अपने परिवार में कुशल पूर्वक रहते थे, लेकिन हमारी इंसानियत और हमारे परिवार की इंसानियत को देख करके हमारी ग्राम सभा के लोगों ने हमें एक बीडीसी का पद दिला दिया। लेकिन मैंने भी वादा किया है, मैंने भी वादा किया है कि तन मन से सेवा करेंगे, क्योंकि अपनी वोट और अपने सहयोगियों की वोट हम किसे दिलाएं ताको ब्लॉक प्रमुख बने और आया हुआ विकास हमारे ग्राम वासियों व क्षेत्र वासियों तक सही सलामत पहुंचा सके। लेकिन विजय और गीता जब कॉलेज जाते हैं तो बिना मुझसे आशीर्वाद वाली हुई नहीं जाती है। उनके कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, जब दोनों कॉलेज चले जाएंगे उसके बाद में कुछ विचार विमर्श करेंगे। भैया, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरे भाई, और तुम्हारे चरण में भैया, और तुम्हारे चरण में जो आशीष, और तुम्हारे चरण में जो आशीष भैया, मुझे दीजिए आज आशीष भैया। भाई बस मैं यू ही कहता हूं। विजय, तुम तो शायद जानते हो कि तुम्हारे सिवाय संसार में मेरा कोई भी नहीं है, और मैं अगर भगवान से प्रार्थना करता हूं तो अपने भैया विजय की खुशियों के लिए। भैया, तुम आशीष की बात करते हो, क्यों नहीं मेरे भाई? और तुम्हें दे रहा आज आशीष, सदा खुश रहो ये तो तुम्हारी खुशियों की कामनाएं सदैव उस परमपिता परमात्मा से क्या करता हूं। लेकिन भैया विजय, कहो मेरे, क्या अभी तक गीता नहीं तैयार हुई क्या? भैया गीता रही, तुम तो जानते हो कि सारा काम जब तक घर का कर नहीं लेती तब तक बहन गीता नहीं आती है, इसलिए बहन सामने से आ रही है। भैया, और साथ में छोटी बहन को बहन और साथ में छोटी बहन को भैया दो आसे। साथ में छोटी बहन को भैया दो मेरी बहन गीता, तुम तो शायद जानती हो
कि तुम्हारे और विजय के सिवा संसार में मेरा है कौन। और मैं अगर भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो अपनी लाडली बहन गीता के लिए, गीता और मेरे जिगर के और जान नसीब, और तुम तो मेरी खुशियों की कामनाएं करता हूं, तो अपनी लाडली बहन गीता के लिए। भैया आपकी दुआ हमेशा, भाई हम भाई और बहन के साथ ही रहते हैं। सच कहते हो, लेकिन भैया और मेरे भाई तुम्हें जग में हाय प्यार मिले। मेरे भाई तुम्हें जग में हाय प्यार मुझे, तुमसे बढ़ कर के कोई न संसार। वक्त काफी हुआ जाऊं कॉलेज को, वक्त काफी हुआ जाऊं कॉलेज को, दे दो मुझको इजाजत ये। कहते हैं भैया आप तो जानते हैं, अपनी माता पिता से हमने हाँ देखा नहीं, आप ही मेरे माता पिता से। जानी से हर सुख तुम्हें अब मिले हैं, मेरे जानी से हर सुख तुम्हें अब मिले हैं, मेरी भगवानी से है यही आरज़ है। अरे वाह मेरी बहन गीता वाह, आज मुझे मालूम हुआ कि मेरा भाई विजय और मेरी बहन गीता मेरे लिए भगवान से इतनी बड़ी प्रार्थनाएं करती हैं, तो मैं भी तो सीधे प्रार्थना क्या करता हूं बहन गीता। गीता तो मेरे भाई बहन खुश और रहो तुम सदा, ये से हमारे निकलती दुआ, वक्त काफी हुआ जाओ कॉलेज जाने से पहले मैं तो कुछ और देख रहा हूँ। लेकिन भैया वही तो मैं तुमसे बताना चाहता था, आखिर आज भैया आज
मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आज बहन गीता आपसे जो सवाल करने वाली थी आप पहले ही कह दी, लेकिन भैया अगर ये खुशी आप जानना चाहते हैं आखिर मैं बताऊंगी तो आप बहुत खुश हो जाएंगे भैया। बोलो बहन गीता क्या बात है, बता दो भैया। पुलिस संदेशा सुन करके मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और भैया विजय शायद तुम नहीं जानते कि हमारे पिताजी की भी इच्छा थी कि हमारी बहन गीता एक पुलिस इंस्पेक्टर बने। आज वो दिन नजदीक आया जो मेरी बहन गीता पुलिस इंस्पेक्टर के ट्रेनिंग के लिए भोपाल जाना चाहती है। इसलिए भैया विजय ऐसा ना हो कहीं इनकी लेट हो जाए और जाओ इन्हें बस स्टाफ तक छोड़ करके आओ। क्यों नहीं भैया, बहन गीता मेरा दिल तो नहीं कहता कि तुझे अपनी नजरों से दूर करो, लेकिन अगर आज तुझे जाने से रोकता हूं तो शायद कभी तू पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगी गीता। तो जाओ गीता मगर ध्यान इतना रहे अपने भैया को तुम भूल जाना। हाय भैया भैया मेरा तीर माता पिता का प्यार मैंने नहीं देखा, लेकिन आपने माता पिता का प्यार दिया है। इसी बातें करेंगे तो मैं ट्रेन की वास्तविक नहीं जाऊंगी भैया। आप ही सब कुछ मेरे लिए हैं भैया, और तुम्ही गो माता पिता तुम्ही हो भैया। तुम्हें घुमाता पिता तुम्हें
आज मेरा दिल नहीं चाहता था बहन गीता को अपनी नजरों से दूर करूं, क्या करूं, मजबूर था। मेरे पिताजी की भी इच्छा थी कि मेरी बहन गीता पुलिस इंस्पेक्टर बने। अगर आज मैं मना कर देता तो शायद कभी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन पाती। अरे मैं तो भगवान से सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी मेरी बहन गीता मेरे सामने आए तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ही बनकर के आए। लेकिन चल करके विचार करते हैं कुछ विकास के बारे में। कुछ काम पड़ गया इसीलिए आपके पास अचानक आना पड़ा। अरे आखिर ऐसी क्या बात है, बोलो दिला। आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो? सुनो भजन दिलावर और नाथू सिंह को और दिलावर मिला और करता है भाईजान। मैं तो शायद सोच रहा था कि आप लोग केवल मुझे ही याद आया करते हैं। आज मुझे भी मालूम हो गया कि मैं भी आप लोगों को याद आया करता हूं। क्यों नहीं भाईजान? दिलावर मियां। जी हाँ। और दिलावर मियां और तेरी दुआ से मैं तो हूं तुम्हारी दुआ से बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन अपने बारे में नहीं बताओगे? आज तुम्हारा चेहरा उतरा जैसा दिखाई देता है, क्या बात? मैं सब बताऊंगा भाईजान। आज हमारा चेहरा क्यों उतरा है? आखिर ऐसी क्या बात? अरे दिलावर आपके पास क्यों आया है जानना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? सुनो। और नहीं हाल है, ऐसी क्या बात है? और नहीं हाल है थी और इसी से नहीं हाल है थी तुम्हारी भाईजान। आप तो जानते हो दिलावर भैया, तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आई। कौन सा इलेक्शन,
और फिर उस इलेक्शन में हम तुम्हारी कौन सी मदद कर सकते हैं? आपने सच कहा, क्योंकि आपसे मैंने बात घुमा फिरा कर किया, इसीलिए आप मेरी बात समझ नहीं सके। सीधी बात तो यह है, आप तो जानते थे कि जब बीडीसी का चुनाव हुआ था उस समय हम सारे प्रत्याशी जब वहां पे तैनात थे तो इस बात का वादा किया था कि अपना ही कोई प्रत्याशी परमखी का इलेक्शन लड़ेगा। वो समय आ गया, मैं जीता हुआ बीडीसी हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके पास 60 वोटर हैं, उन 60 प्रत्याशियों की वोट देकर के इस तंबौर क्षेत्र का मुझे प्रमुख बने। अरे वाह दिलावर मियां वाह, इसका मतलब तुम तंबौर क्षेत्र के प्रमुख बनना चाहते हो? जी हाँ, अगर आपका रहम कर्म हो जाए तो। दिलावर मियां देखो, अभी तक मैंने तो कुछ विचार ही नहीं किया कि हम किसे प्रमुख बनाएं। देखो जब हमारी नजर में कोई अच्छा इंसान होगा, जनता की सेवा करने वाला इंसान होगा, हम उसे ही प्रमुख बनाएंगे। ओ भाईजान, क्या हमसे कोई अच्छा मिलेगा है? इस तंबौर क्षेत्र में हमसे अच्छा इंसान कोई नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी वोट और अपने प्रत्याशियों की वोट देकर के मुझे तंबौर क्षेत्र का प्रमुख। वाह दिलावर मियां वाह, वास्तव में तुम सच कहते हो, तुमसे अच्छा इंसान तंबौर क्षेत्र में है ही नहीं। जी हाँ, और अगर कहीं दो चार तुम्हारे जैसे और इंसान पैदा हो जाएं, तो तंबौर क्षेत्र का क्या हाल होगा? अरे दो चार पैदा कहाँ हो गए, अरे अकेला दिलावर ही काफी है। सच है दिलावर, जब तुम अकेले हो इस समय तो जनता को इतना परेशान करते हो, और कल कहीं तुम्हारे जैसे दो चार हो गए तो ना जाने हमारे गरीब भाइयों का क्या हाल होगा। दिलावर मियाँ, तुम शायद जानते हो जो तुम कारनामे करते हो वो जनता जानती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे कारनामे पूरी जनता जानती है, लेकिन हमारे गरीब भाई केवल मुख नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को डरते हैं, डर की वजह से मुख नहीं खोलते। ना जाने कितने गरीब भाइयों के घर उजाड़ डाले, अरे ना जाने कितने गरीब भाइयों की बहन बेटियों की अबरू से खेला और चल दिया तो प्रमुख बनने के लिए। अरे वाह दिलावर वाह, अगर तुझे प्रमुख बनना था तो इन गरीब भाइयों की सेवा करना चाहिए था, इन गरीब भाइयों को उजाड़ना नहीं चाहिए था, गरीब भाइयों की बहन बेटियों के आबरू को नहीं लूटना चाहिए था। इसलिए दिलावर तुम यहां से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और इसके लिए ना करो तो हमारे गरीब भाइयों को इतना सताता है, कल कहीं प्रमुख बन जाएगा तो न जाने क्या हासिल करोगे। इसलिए जाओ दिलावर, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं। बाजान, आप तो जानते हो, आप दिलावर को अपनी चौखट से निराश होकर के मत भेजो, मैं आपके आगे प्रमुखी के लिए अपना दामन फैला रहा हूँ। दिलावर अपनी चौखट से मुझे खाली हाथ मत भेजो। दिलावर जा करके दामन उन गरीब भाइयों की बहन बेटियों के सामने फैलाओ जिनकी तुमने आबरू से खेला है, अगर उनकी आबरू वापस आ जाएगी हम तुम्हें प्रमुख बना देंगे। अरे जिन भाइयों को तुमने यहाँ से बाहर भेजा, ना जाने कितने को मौत के घाट उतार दिया, जाओ दामन फैला करके उन भाइयों को लेकर के आओ, मैं तुम्हें प्रमुख बना दूंगा। मैं जानता था कि तू कितना बधाई दिलावर, इसीलिए
आना नहीं चाहता था, लेकिन न तो तिलावर अति तुझसे रहम के लिए तलबगार है, ठीक मानता है और तुझे समझा रहा है, सुन मेरी बात, न तो चौखट से धक्के मार कर पैर का जूता पैर में रहे तो ठीक है, अगर पैर के बाहर निकला ना तो सोचता है तिलावर तेरा हस्त क्या करेगा। तिलावर ये मत भूल कि तेरी चौखट पर तिलावर दावन फैला करके वोट की भीख मांगा है, तो तिलावर लच गया नहीं, तिलावर मजबूर नहीं हुआ। मैं तुझे वायरिंग देता हूँ, परमुखी चाहे जैसे मेरे हाथ आए, मैं तंबा छेद का परमुख बन कर रहूंगा, लेकिन तू याद रखना तेरे रास्ते अगर तहकते हुए अंगारों से नहीं भर दिया तो हमारा नाम तिलावर। शायद इसे नहीं मालूम। अरे हमारे गरीब भाइयों ने अपने दिल के अंदर ना जाने कितने अरमानों को लेकर हमें पद दिलाया है, तो अपने गरीब भाइयों के प्रति अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो नथुराम को कोई गम नहीं है, लेकिन प्रमुख बने तो कौन बने। शायद तंबोर क्षेत्र में भाभी सालनी रहती है, वो कभी कहा करती थी कि ऐसा कोई पद हासिल नहीं होता ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं, इसलिए चल करके भाभी सालनी से मिलना चाहिए, अगर वो प्रमुख बन जाएगी तो शायद हमारी जनता की सेवा करेंगी। और दिलावर तू शायद सोच रहा होगा कि तेरी धमकियों से नथुराम डर जाएगा, नहीं मैं तुझे जीते जी प्रमुख नहीं बनने दूंगा।